सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और इंडियन नेवी ने एमआर की वैकेंसी निकाल दी है इस साल की, यानी मैट्रिक रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन की, वो वैकेंसी निकालती है। 10th पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी है वो स्टीवर्ड की हैं, शेफ की हैं और हाइजीनिस्ट की हैं। ये एमआर अप्रैल 2019 के नाम से ये बैच होगा और ये अप्रैल 2019 में ये बैच शुरू होने वाला है। इसके लिए क्वालिफिकेशन को अगर हम देखें तो मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो कि MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। साथ ही बात करें हम जॉब स्पेसिफिकेशंस की, तो शेफ के लिए आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरीके का खाना बनाना आना चाहिए। बात करें हम स्टीवर्ड की, तो स्टीवर्ड के लिए आपको वेटर का काम करना पड़ेगा, हाउसकीपिंग का करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, वाइन स्टोर्स और मेनू की प्रिपरेशन, ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। साथ ही जो भी ड्यूटी आपको दी जाएंगी वो आपको करनी होंगी। वहीं बात करें हम हाइजीनिस्ट की, तो हाइजीनिस्ट को अपने एरिया में जो उसको अलॉट किया जाएगा वहाँ हाइजीन का ध्यान रखना होगा, जैसे कि वॉशरूम में और अदर एरियाज में। साथ ही उनको जो भी ड्यूटी दी जाएगी एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट वो उनको करनी होगी। अब देख लेते हैं एज को, तो एज जो है वो 1 अप्रैल 1998 से लेकर 31 मार्च 2002 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए और ये दोनों डेट इसमें शामिल हैं। बात करें पे एंड अलाउंसेज की, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेंगे 14,600 रुपये पर मंथ और ट्रेनिंग के बाद आपको लेवल 3 मिलेगा, यानी 21,700 से 2,900 रुपये आपकी पे होगी और 5,200 रुपये यानी 5,200 रुपये आपको मिलिट्री सर्विस पे के रूप में मिलेगी। इनके अलावा जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो सब आपको दिए जाएंगे। वहीं अगर इसके करियर एस्पेक्ट को देखें तो प्रमोशन आपका मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक हो सकता है, यानी 47,600 से लेकर 1,51,100 प्लस MSP 5,200 वाले लेवल 8 तक आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके अलावा आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो आप कमीशन ऑफिसर भी बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो होगा वो रिटन टेस्ट और उसके बाद PFT और उसके बाद फिटनेस एंड मेडिकल टेस्ट के थ्रू होगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। दो सेक्शन होंगे, साइंस और मैथ के, और दूसरा होगा जनरल नॉलेज का। 30 मिनट का इसका समय होगा और इसका जो सिलेबस है वो www.joinindiannavy.gov.in पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को सभी सेक्शंस में और एग्रीगेट में पास होना होगा तभी उनको PFT के लिए बुलाया जाएगा। PFT जो होगा वो मैंडेटरी होगा। आपको 1600 मीटर की रेस करनी होगी, 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी आपको ये। इसके अलावा आपको 20 स्क्वाट्स करने होंगे यानी उठक बैठक करनी होंगी और 10 पुशअप्स करने होंगे। अब बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर और चेस्ट का फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। वेट जो है उसके कोरिलेट में होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो सेफ और स्टीवर्ड के लिए बैटर आई होनी चाहिए 6x36 और वर्स आई होनी चाहिए 6x36, और अगर ग्लास आप लगाते चश्मा लगाते हैं तो बैटर आई होनी चाहिए 6x9 और वर्स आई होनी चाहिए 6x12। वहीं हाइजीनिस्ट के लिए बैटर आई होगी विदाउट ग्लासेज 6x60, वर्स आई 6x60 और चश्मे के साथ 6x9 और 6x24। और जो कैंडिडेट्स परमानेंटली मेडिकली अनफिट घोषित किए गए हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स द्वारा आर्म्ड फोर्सेज हॉस्पिटल द्वारा, वो अप्लाई न करें। टैटू परमानेंट टैटू अलाउ हैं सिर्फ कुछ हिस्सों पे, जैसे रिवर्स साइड ऑफ पाम, बैक डोर्सल और एल्बो टू रिस्ट बैक साइड में। इसके अलावा कोई भी टैटू अलाउ नहीं है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ और बातें। तो सितंबर अक्टूबर 2018 में ये एग्जाम होना है इसका। इसके लिए जो कॉल लेटर है वो अर्ली अगस्त 2018 में आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी कॉल लेटर या एडमिट कार्ड वो नहीं भेजा जाएगा पोस्ट द्वारा, सब ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करने होंगे। और आपको रिटर्न एग्जाम के समय अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और एडमिट कार्ड रिटर्न एग्जाम के समय लाना होगा, उसी समय आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। रिटर्न टेस्ट का जो रिजल्ट है वो सेम डे घोषित कर दिया जाएगा और वहाँ आपको आगे की PFT और मेडिकल के लिए 1-2 दिन का समय लग सकता है। जो कैंडिडेट्स टेम्परेरी मेडिकली अनफिट घोषित किए जाएंगे वो 21 दिन के अंदर इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और जो फाइनल मेरिट होगी वो 21 फरवरी 2019 को वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, नोटिस बोर्ड पर भी लगा दी जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो INS सिल्का पर रिपोर्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है 18 जून 2018 से लेकर 1 जुलाई 2018 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे अपने आप को www.joinindiannavy.gov.in पे और वहाँ से फिर आगे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और फोटोग्राफ के संबंध में यहाँ दिया गया है कि फोटोग्राफ जो होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा और ब्लू बैकग्राउंड के साथ होगा और इसका जो साइज है वो होगा 60 से लेकर 100 KB तक। और आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी प्रेफरेंस इंडिकेट करेंगे कि आप शेफ बनना चाहते हैं या स्टीवर्ड बनना चाहते हैं या हाइजीनिस्ट बनना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जाएगा।
तो इस फॉर्म की लास्ट डेट है 1 जुलाई 2018। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।